लाख की खेती बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है और कम खर्चे में ज़्यादा इनकम हो सकता है। प्रूनिंग कार छाट करते हैं, इसके बाद बीहन संचरण करते हैं। बीहन संचरण करने के बाद उसमें फुनकी का उतारना रहता है। हमारे इस क्षेत्र में अधिकतर जो है कोसम का पेड़ उपलब्ध है। ब्रूड फार्म की तैयारी कर रहे हैं कि सेमिया लता एक एक किसानों को 10,000-5,000 पौधे मिले, जिससे उनका इनकम दोगुनी बढ़ सके। तो एक पेड़ में लगभग एक क्विंटल से ऊपर ही उत्पादन होता है। और इसी प्रकार सेमिया लता जो है एक बार रोपण करने के बाद वो 14 वर्षों तक लगातार उस पौधे से हम फसल ले सकते हैं। उनकी परिस्थिति में बदलाव हुआ। बहुत सारे क्षेत्र के महिलाओं ने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को लाख की खेती से इनकम करके पढ़ाया है। मेरा नाम देवनाथ सिंह है और हमारे परियोजना का नाम है होलिस्टिक एक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको चार शब्दों में हार्ट कहते हैं। और हार्ट जो है लगभग 1998-99 में ये संस्था शुरू हुआ और आज जो है शहडोल और अनूपपुर दो जिला में परियोजना कार्यरत है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में लाइवलीहुड के ऊपर लाख की खेती को लेकर के बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जो अनूपपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और शहडोल जिला, दो जिला मिला करके हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें अधिकतर जो किसान हैं वो ट्राइबल किसान हैं, जो आदिवासी किसान हैं, जिनकी इनकम बहुत कम था, आज उनका इनकम लाख की खेती से निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। लाख की खेती से किसानों को हम आदिवासी किसानों को इसलिए जोड़ा है क्योंकि उनके पास जो पेड़ है प्राकृतिक रूप से उनके पास उपलब्ध रहते हैं, उनके मेढ़ों में उपलब्ध रहते हैं, चाहे कोसम हो, चाहे बैर हो, चाहे प्लास का पेड़ हो। तो उनके पास संसाधन न होने के कारण से वो वंचित रहे और हम लोगों ने उनको संसाधन उपलब्ध कराया कि ब्रूड उनको दिया किसानों को, उनके साथ में गटोर मशीन दिया, टेक्निकल जानकारी किसानों को दिया। और इस प्रकार से हम लोगों ने झारखंड में ले जा कर के उनका एक्सपोजर कराया, वहाँ पर किसान देखे, देखने के बाद उनके मन में बदलाव आया और बदलने के बाद जो है कोतमा कार्यालय में आ कर के हार्ट परियोजना में उनको प्रशिक्षण दिया गया लाख की खेती करने के लिए। लाख की खेती के साथ साथ उन अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए इस काम में उनको निरंतर हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। लगभग अनूपपुर और शहडोल ज़िलों में 7,500 किसानों के साथ में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत सारे किसानों को हमने प्रशिक्षण दिया है, जो जिसमें से 150 से ऊपर जो है हमारे एक्सपोजर के किसान हैं, जो एक्सपोजर करके आए। और अन्य किसानों को भी उन्होंने बताया कि लाख की खेती बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है और कम खर्चे में ज़्यादा इनकम हो सकता है। किसानों के साथ में पेड़ों का चुनाव करते हैं और पेड़ों का चुनाव करने के बाद उस पेड़ों की प्रूनिंग काट छाट करते हैं, इसके बाद बीहन संचरण करते हैं। बीहन संचरण करने के बाद उसमें फुनकी का उतारना रहता है, दवा का छिड़काव करते हैं। और दवा का छिड़काव होने के बाद दो बार हम दवा का छिड़काव करते हैं, प्रथम और द्वितीय। इसके बाद बीहन तैयार हो जाता है, उसको किसान काट करके उसको छिल करके मार्केट में बेच सकता है। और किसान यदि बीहन दूसरे पेड़ों में संचरण करना चाहता है तो उस बीहन योग्य है तो उसको संचरण कर सकता है। हमारे इस क्षेत्र में अधिकतर जो है कोसम का पेड़ उपलब्ध है, बैर का पेड़ उपलब्ध है। और जिन किसानों के पास पेड़ उपलब्ध नहीं है उनको हम सेमिया लता उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे लाख की खेती से उसका इनकम आने लगे। और आने के साथ में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर ब्रूड फार्म की तैयारी कर रहे हैं कि सेमिया लता एक एक किसानों को 10,000-5,000 पौधे मिले, जिससे उनका इनकम दोगुनी बढ़ सके। यदि हम कोसम के पेड़ में बीहन संचरण करते हैं और लाख की खेती करना चाहते हैं तो एक पेड़ में लगभग एक क्विंटल से ऊपर ही उत्पादन होता है। और यदि हम 1,000 सेमिया लता के पौधे करते हैं तो उसमें फर्स्ट सीजन में निकलता है 5-6 क्विंटल के लगभग निकलता है। और दूसरे में यदि हम सेमिया लता में फिर से करेंगे, कटिंग करने के बाद फिर से यदि पेड़ तैयार होता है तो उसमें हम करेंगे तो उसका जस्ट डबल होने की संभावना रहता है। और इसी प्रकार सेमिया लता जो है एक बार रोपण करने के बाद वो 14 वर्षों तक लगातार उस पौधे से हम फसल ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरली पेड़ जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं और जो उनके पास ज़मीन पड़ा हुआ है उनमें हम सेमिया लता का पौधा उपलब्ध कराते हैं।
और जिससे उनका इनकम जो है बढ़े। और किसान जो है एक बार लाकर खेती करने के बाद उसका मनोबल ऑलरेडी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें समय और लागत बहुत कम लगता है, मेहनत कम लगता है और लागत भी कम लगता है, जिसके कारण से किसान अच्छा इनकम प्राप्त करता है। इस खेती को किसानों ने रेगुलर करना शुरू कर दिया है और इसको अतिरिक्त आय, एडिशनल आय के रूप में किसान देखने लगे, और जिससे उनकी परिस्थिति में बदलाव हुआ। बहुत सारे क्षेत्र के महिलाओं ने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को लाख की खेती से इनकम करके पढ़ाया।